में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होली मिलन के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को एडवाइजरी भेजी गई, जिसमें लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक सभाओं से दूर रहने की अपील की गई। कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को आगामी 31 मार्च तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छूट दी गई है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसा कि होली बहुत नजदीक है, तैयारियां बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन कोरोना को लेकर प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर भी हाई अलर्ट किया गया, कितनी व्यवस्थाएं यहां पर नजर आ रही हैं? देखिए, चीन के बाद जिस तरीके से भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप आया, उसके बाद से ही लगातार जो सरकारें हैं वो अब सचेत हो गई है। और प्रदेश सरकार की बात की जाए तो कोरोना वायरस को लेकर पर्याप्त व्यवस्था प्रदेश सरकार की ओर से भी की गई है। प्रदेश के जितने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। जो भी कोरोना से संदिग्ध मरीज पाया जाता है उसको वहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया है कि वो किसी भी होली मिलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जो एडवाइजरी जारी की गई है उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ फैसला लिया है। न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि साथ साथ जो मंत्री हैं अलग अलग, वो भी फैसला उन्होंने लिया है कि वो किसी भी जो कार्यक्रम है होली मिलन के उसमें शामिल नहीं होंगे। जिस प्रकार से केंद्र द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में कोई सभा या आयोजन न किया जाए, क्योंकि एक तरीके से वायरस है, अगर किसी व्यक्ति में संदिग्ध मरीज है तो उसके 100 मीटर के आसपास लोगों को नहीं भटकना है, इसके अलावा उनसे संबंध स्थापित भी नहीं करना है। तो एक प्रकार का जो वायरस है और ये वायरस लगातार फैलता जाता है, जिस प्रकार हमने देखा कि चीन में किस प्रकार से कोरोना वायरस ने तबाही मचाई, 300 से ज्यादा वहां पर मौतें हुई थी, उसके बाद भारत में इसका प्रकोप आया। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 4 जो संदिग्ध मरीज हैं वो पाए गए थे और 4 में से 3 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, मतलब कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अभी भी जो एक संदिग्ध मरीज है उसका रिपोर्ट आना बाकी है। तो पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने परसों तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनकी बैठक लेकर भी दिशा निर्देश दिया था। तो पूरी तरीके से कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार यहाँ पर तैयार है। इसके साथ ही जो मंत्रालय के कर्मचारी हैं उनको बायोमेट्रिक मशीन में अटेंडेंस के लिए यहाँ पर छूट दी गई है, 31 मार्च तक ये छूट दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक वायरस है और या पंचिंग और तमाम चीजों में ये वायरस फैल सकता है, तो इसलिए जो बायोमेट्रिक यहाँ पर साइन है उस पर रोक लगाई गई है। और जैसा कि प्रदेश में कोरोना का लेकर के अगर सुरक्षा बरती जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, एहतियात बरती जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होली नहीं मनाएंगे, लेकिन क्या उनके मंत्री भी हैं जो इसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं, या वो भी इसी तरीके से पहले से एहतियात बरतने की कोई बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं? अभी सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह फैसला लिया है कि वो किसी भी होली मिलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि किसी और मंत्री का अभी फैसला नहीं आया है कि और न ही उनका कोई बयान आया है कि वो किसी होली मिलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि जो रायपुर सांसद है सुनील सोनी, जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी फैसला लिया है कि कोरोना वायरस के चलते वो किसी भी होली मिलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। 8 तारीख को उनके यहाँ होली मिलन का कार्यक्रम होना था लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एहतियात बढ़ता जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर चूक और वायरस ना फैले, इसके लिए जो पूरे उपाय है वो किए जा रहे हैं भूसरा। लेकिन त्योहार के मद्देनजर लोगों में किस तरीके से सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाने की कोशिश हो रही है? देखिए, कल मंत्रालय की ओर से और सामान्य प्रशासन की ओर से एक जारी पत्र जारी किया गया है जिसपे
लोगों से साफ तौर पर ये कहा गया है कि भीड़ भाड़ इलाके में रहकर वो होली या किसी भी तरह के जो आयोजन है वो ना जी करें, क्योंकि ये वायरस है और वायरस कभी भी फैल सकता है। हालांकि कोई भी इस तरीके से संदिग्ध मरीज नहीं पाया गया है जिसमें ये लक्षण हो। हालांकि जरूर रिपोर्ट 4 लोगों की भेजी गई थी, लेकिन 3 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा लोगों को ये कहा गया है कि वो सावधानी बरतें, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके वहाँ के लोगों को वहाँ पर जागरूक करने की बात कही गई है, क्योंकि खासतौर पर यह देखा जाता है कि शहरी इलाके में जागरूकता रहती है लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी रहती है। इस तरीके से वायरस के बारे में लोगों को पता नहीं रहता, तो इसलिए सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि जो मितानिन है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करती है, उनको वहाँ पर जागरूक करने के लिए वहाँ पर भेजा जाएगा। और जो मितानिन है वो एक मितानिन 300 लोगों को वहाँ पर जागरूक करेगी, और जागरूक करने के साथ ही कोरोना वायरस क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। तो त्योहार के मद्देनजर भूपेश सरकार ने बहुत सारी निगरानी बरतने के लिए, जागरूकता लोगों में लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, अलर्ट भी जारी किया है कोरोना का को देखते हुए। गुरुवार रात को कांग्रेस विधायक